तो दिखा दें आपको, बहुत ही प्यारे गिफ्ट है, तो देखने के लिए एक्साइटेड हो। तो ये हमारी प्रिंसेस के लिए आया है। तो गाइस वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाना। थैंक यू सुमित भाई। शीतल ढेडा, ये हैं बहुत ही प्यारे गणपति बाप्पा जी। तो जल्दी जल्दी दिखा देते हैं। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। होना तेरी गल्ला चावे एक और एक तीन गाबरू, जिम का शौकीन गाबरू। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। क्या होने वाला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही बड़ी अनबॉक्सिंग और बहुत सारे गिफ्ट की, क्योंकि कल हमारा था बेबी शावर भाई और का, आपको पता है भाभी दोनों का, और बहुत ही सारे गिफ्ट आए। और वो सारे गिफ्ट है ये, तो एक एक करके करेंगे हम अनबॉक्सिंग। और अनबॉक्सिंग कराएंगे हम पायल भाभी से और कृतिका भाभी से। तो गाइस ये वाला गिफ्ट सरिता जी ने भेजा है, तो सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो दिखा दें आपको, बहुत ही प्यारे गिफ्ट है। तो यहाँ है गिफ्ट, तीन राधा रानी, वो भी सिल्वर में। तो थैंक यू सो मच सरिता जी, इतने प्यारे प्यारे आपने गिफ्ट दिए। तो नेक्स्ट गिफ्ट किसका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगला गिफ्ट है करण भैया और रति भाभी का। तो गाइस करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो गाइस अनबॉक्सिंग हो गई है और आपको दिखा देते हैं कि भाभी ने क्या दिया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रिटी नेकलेस दिया है, वो भी दो चोकर सेट दिए मेरे लिए, पायल के लिए सेम। तो थैंक यू करण भाई, रति भाभी, और बहुत ही प्यारा गिफ्ट है। पर नाराज हूँ यार, मेरे लिए भी एक अंगूठी ले आते यार। बेबी शावर हमारा था ना ये है? तो गिफ्ट हमारे लिए आएंगे। मतलब रोल मेरा कुछ नहीं था इसमें? नहीं, आपका रोल था। आपका बर्थडे आएगा तो आपको मिलेंगे। सो नेक्स्ट गिफ्ट है पूजास ब्यूटी लॉन्च की तरफ से। करते हैं इसकी भी जबरदस्त अनबॉक्सिंग। लो भैया, क्या बात है। तो गाइस बहुत ही प्यारा और अनमोल तोहफा मिला है हमें पूजा की तरफ से। तो थैंक यू सो मच पूजा। और मैंने पांच बच्चे देखे तो मैं सोच रहा हूँ एक बच्चा और प्लान करना पड़ेगा मुझे। तो गाइस नेक्स्ट गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं, जो कि दिया है हमें स्वामित ने। तो देखने के लिए एक्साइटेड हो। देखिए तो ये है प्यारे से पापा पिग्स और एक टैडी। थैंक यू सो मच स्वामित, और आपने चार बच्चे भेजे हैं। मुझे लग रहा है ये बच्चे हैं, ये पापा है, यानी कि मेरी तरह पांडा। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट गिफ्ट है खुराना की तरफ से, तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस ये प्यारा सा गिफ्ट है हमारी आंटी की तरफ से, जो हमारे घर के बिल्कुल साथ में रहती है, तो इसकी अनबॉक्सिंग करो भैया। तो गाइस हमारी नन्हे नन्हे मेहमानों के लिए ना क्यूट क्यूट से गिफ्ट आ गया, आपको दिखाती हूँ। तो ये है बेबी का आई थिंक ब्लैंकेट है, और ये है झूला। थैंक यू सो मच आंटी जी, और बहुत अच्छा लगा। प्री प्लानिंग चल रही है बच्चों की, बच्चों को क्या क्या जरूरत है वही गिफ्ट आ रहे हैं। तो लव यू सो मच। तो तीन गिफ्ट आए हैं शिखा की तरफ से, आइए इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं। दो भैया खतरनाक सी अनबॉक्सिंग, तीनों कर दो। तो हम तीनों कर रहे हैं। तो ये हमारी प्रिंसेस के लिए आया है छोटा सा पिलो, और ये हमारे प्रिंस के लिए आया है। दो तो पिंक पिंक प्रिंसेस के लिए लग रहे हैं। ठीक है, पिंक है ना। तो जैसे भी होगा गाइस उनको बच्चों को पक्का देंगे ये। थैंक यू सो मच शिखा। थैंक यू शिखा मलिक फैमिली की तरफ से। सो अब हम कुलदीप मान जी का गिफ्ट अनरैप करने जा रहे हैं। चलिए जी फटाक से अनबॉक्सिंग कर दें आप तीनों। तो ये है हमारी किचन के लिए बाउल सेट। थैंक यू कुलदीप भाई, बहुत बहुत थैंक यू दिल से। तो गाइस दो गिफ्ट और रह गए थे करण भैया और रति भाभी की, जो की अब अनबॉक्सिंग करेंगे जतिन भैया। एक पाल तू कर। तो अरमान जी को शिकायत थी रति भैया और करण भैया से, तो उनकी जो शिकायत है वो दूर कर दी है। तो अरमान जी के लिए बहुत ही सारा, बहुत ही प्यारा सेट है, और साथ में बच्चों के लिए हमारे अभी से स्टाइलाइजर आ गया। थैंक यू करण भाई, रति भाभी, और बस आप आए और बहुत अच्छा लगा। दिल्ली से यहाँ तक सफर कर गए और बहुत सारे लोग भी आए थे, उनको भी दिलचस्पी बुला रहे हैं। सो अब हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं सोनिका जी का गिफ्ट। तो सोनिका जी लाई है चीकू के लिए बहुत ही प्यारा सेट। थैंक यू सोनिका, थैंक यू सो मच। तो गाइस वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाना, ये आपका मान सम्मान है। देखो ये हमें दिखाना बहुत जरूरी है, और आपका प्यार भी है। तो अभी बहुत सारे गिफ्ट है, हम थक गए थे, बहुत ही ज्यादा पड़े हैं अभी। तो अभी कम से कम 20-25 हज़ार गिफ्ट पड़े हैं, देख रहे हो इतने तो होंगे भाभी। आराम से, और 25 से ज्यादा ही होंगे। तो गाइस बहुत ही बड़ा गिफ्ट है, मैं तो नहीं उठा सकती हूँ, इसलिए जतिन भैया उठाएंगे। चलो भैया उठा दो, ये सबसे बड़े वाला गिफ्ट स्टार्ट कर रहे हैं अभी। वही ले चलो अपने, आ जाओ ठहिए वाले चलो। तो ये जो गिफ्ट है ये भी है शिखा की तरफ से,
और बहुत ही प्यारा झूला भेजा है बच्चों के लिए, होने वाले बच्चों के लिए। जो है ना ये झूले के ऊपर गद्दी लगती है, इसी का एक पार्ट है और ये बच्चों के पिल्लू है छोटे छोटे। थैंक यू शिखा, और आप लोग आए, दिल से बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो गाइज नेक्स्ट गिफ्ट जो है वो सोनिया भाभी और टाइसन भैया की तरफ से है। इन्होंने मुझे कॉल किया था और पूछा था क्या चाहिए, वो ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन में मैंने सिलेक्ट किया था, तो खोल के आपको दिखाती हूँ क्या है। तो गाइज ये बहुत ही प्यारा 10-in-1 बेबी बाउंसर मिला, जो की मैं पढ़ कर बता रही हूँ की मुझे नहीं पता था इसके बारे में। और इसमें हम अपने बेबी को ना आराम से गाड़ी में कैरी कर सकते हैं, सेफ्टी नेट भी है, फीडिंग भी करा सकते हैं, घुमा भी सकते हैं, उठा भी सकते। थैंक यू सोनिया भाभी, टाइसन भाई, दिल से शुक्रिया बहुत ज्यादा। तो गाइज इस गिफ्ट पे से ना नेम पर्ची जो है वो हट गई है, तो आप कमेंट में बता देना ये किसका गिफ्ट, क्योंकि लगी हुई थी। चलो भैया अनबॉक्सिंग करो। तो गाइज गिफ्ट के अंदर नाम लिखा हुआ था, सुमित भैया ने दिया है, और बहुत ही प्यारा गिफ्ट है ये, इलेक्ट्रिक स्विंग विद रिमोट, मतलब कि बच्चा अपने आप झूले खाएगा रिमोट के थ्रू। हाँ। उसको फील होगा कि इसकी माँ उसको गोद में झूले झुला रही ऐसे। हाँ। थैंक यू सुमित भाई, हमारे बहुत ही पुराने दोस्त हैं, 5-10 साल पुराने, तो बस वो पहुंचे। सबसे बड़ी बात है ना, जितने भी लोग हैं बहुत दूर दूर से आए, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, तो बस यही एक प्यार है कि आप पहुंच जाते हैं। तो लव यू मेरे भाई सुमित। आपको कुछ कहना चाहता हूँ, गिफ्ट खोलते खोलते मैं अब अनबॉक्सिंग करते हुए इतना मस्त हो गया कि मैंने डस्टबिन में भाई का फोन ही डाल दिया। अगर इसके बाद अगला डल जाता मेरी क्लास लग जानी। बताओ कमाल कर दिया आपने, सही है। साइलेंट पे होता था। हाँ, साइलेंट पे था, साइलेंट पे होता है, साइलेंट पे मोस्टली। तो भैया एक जबरदस्त गिफ्ट, इसके ऊपर नाम नहीं पर मुझे बताइए किसने दिया, ये दिया है हमारी छोटी बहन रुचिका ने, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो जिनसे हमारी हर चीज की शुरुआत होती है उन्होंने प्यार से हमें दिए हैं, गणपति जी। तो गाइस नेक्स्ट गिफ्ट है शीतल दहिया की तरफ से, इसके साथ एक मिठाई का बॉक्स भी था जो हमने सेपरेट रख दिया है। तो बहुत सारे गिफ्ट है, काम करते हैं सारे मिलके अनबॉक्सिंग करते हैं। गोलू से नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। शीतल ढेडा और राशि ढेडा दोनों बहने आई थी और दोनों गुजर है, मैं भी गुजर हूँ, थैंक यू सो मच, उनकी तरफ से ये गिफ्ट है। तो शीतल और राशि ने मेरे और गोलू के लिए बहुत प्यारे सूट भेजे हैं, साथ ही हमारे बच्चों के लिए सेट भेजे हैं। थैंक यू शीतल राशि, आप पहुंचे बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही जब भी खुश हो तो आप जरूर पहुंचे। हमारा गिफ्ट है हमारी महक की तरफ से, बहुत प्यारा गिफ्ट है, इसको अनबॉक्स करते हैं, लाइए। और ये जो गिफ्ट है उन्होंने हाथ से हमारे लिए बनाया है। वैसे तो मैं कल ही ओपन करने वाली थी, बट मैंने सोचा कि सारे गिफ्ट अनबॉक्स करूंगी ना तब इसको दिखाऊंगी। ये मुझे लग रहा है वो है ड्रीम कैचर। अच्छा अच्छा, जो हाँ इसकी मतलब जो सपने तुम देखो ना तो पूरे हो। ये उन्होंने हाथ, तो बहुत ही प्यारा फ्रेम दिया है और हाथों से लिखा हुआ भी है, पायल एंड कृतिका स्टे ब्लेस्ड विद लव महक। नेक्स्ट गिफ्ट है प्रेरणा की तरफ से, तो बहुत ही प्यारी पेंटिंग है राधा कृष्ण जी। थैंक यू प्रेरणा, आप आए और ऐसे आते रहें, थैंक यू सो मच। जिसको मैं विश नहीं कर पाया उसको भी थैंक यू सो मच। ये नेक्स्ट गिफ्ट है आशु सोनीपत से, ये भी तीन है। तो गाइस कैमरा चलाने का सारा काम मैं कर रहा हूँ, ये मत बोलना कि मैं अनबॉक्सिंग में था नहीं, मैं बिल्कुल था, और मैं बिल्कुल साफ सुथरी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ कि सबके गिफ्ट अच्छे से दिख जाए। तो जो नेक्स्ट गिफ्ट है वो हमारे अभी प्रेजेंट बच्चे के लिए है, चीकू के लिए, होली का बहुत ही प्यारा गिफ्ट है, साथ में शगन की लिफाफा था और फ्रूट्स की टोकरी थी। तो गाइस नेक्स्ट गिफ्ट की अनबॉक्सिंग हम करने जा रहे हैं जोई नेल्स की तरफ से, जो कि बहुत ही फेमस है दिल्ली में, तो करें लेट्स ओपन। ये लो भैया, मैं थोड़ा इजी ओपनिंग कर, और ये है हमारे लिए दोस्त, ये है बहुत ही प्यारे गणपति बाप्पा जी। सोनिका फ्रॉम मोहाली, इनका एक और गिफ्ट रह गया था, इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। तो गाइस ये आई है बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक, मुझे लगता है एक लड़की तो आने वाली है ही है, बहुत सुंदर है यार। तो गाइस थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो गया था, हमें लगा चीकू का कुर्ता है, पर अब फ्रॉक देखने के बाद रियलाइज हुआ कि इन्होंने दो ड्रेस दी है, एक बेबी गर्ल एक बेबी बॉय, तो डेफिनेटली ये दोनों तो आए दिए। थैंक यू सोनिका जी, और बहुत अच्छा लगा आप पहुंचे अपने बच्चों के साथ, और मुझे याद है आप 812 में भी आए थे अपने बच्चों के साथ एक बार। तो नेक्स्ट गिफ्ट है हमारी फ्रेंड स्वैंकी की तरफ से, तो जल्दी जल्दी दिखा देते हैं। तो उन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे फुटवेयर्स भेजे हैं, जो कि 5 पेयर है मेरे और गोलू के लिए, साथ ही 2 स्टिच करवा के सूट भेजे हैं, और साथ ही ना डायमंड की इयररिंग्स दिए मुझे और पायल को, दोनों को सेम। थैंक यू सो मच मानसी, और बहुत अच्छा लगता है आप जब आते हैं, और बस ऐसे आते रहे, बहुत सारा थैंक यू। तो गाइज नेक्स्ट गिफ्ट है भैया और भाभी की तरफ से, इनके भाई की और इनकी तरफ से,
जो कि हिमालय की बहुत ही ब्यूटीफुल सी बास्केट। ये मैं इसलिए लेके आई क्योंकि मुझे पायल ने बताया था कि मैं हिमालय के ही प्रोडक्ट्स यूज करूंगी बेबीज के लिए, तो मैं स्पेशली ये लेके आई थी। पहले दे दिया आपने, आपने बताया सबसे पहले बच्चों को यही लगेंगे है ना। हाँ, सबसे पहले कलाकारी दिखाई आपने। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप बिना जैसे बोले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब बच्चे बॉर्न होंगे ना तो हमें कुछ टाइम तक तो कुछ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ आ गया। सारे गेस्ट ने ना अलग अलग गिफ्ट दिए, किसी का सेम नहीं है। और गोलू का जब अभी ये जाएगी ना डिलीवरी के लिए, बस मैं बैग पैक करते हैं ना, तो बैग में इस वजह काफी चीजें जाएंगी। मुझे लग रहा है जो चीजें आई है ना वो एक साल तक चलेंगी, और एक साल के बाद हम बच्चों का जन्मदिन करेंगे, उसकी पार्टी करते हैं, फिर आप दोबारा गिफ्ट भेज देना बहुत सारे ना, तो दिक्कत नहीं होगी ना। हाँ, फिर अगले साल फिर ले लेंगे। तो नेक्स्ट गिफ्ट है हमारे मायके की तरफ से जो कि मम्मी लेके आई थी। तो तीनों बच्चों के सेट है, साथ में फ्रूट्स है, मिठाई थी और शगन। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। और मम्मी को बहुत सारा काम था, हम तो रख रहे थे, मम्मी चली गई और हमने वीडियो शूट किया मम्मी के साथ। देखोगे ना बहुत हंसी आने वाली है। तो गाइस बहुत सारे शगुन के लिफाफे थे जो मेरे सामने आए, मैं नाम ले लेती हूँ। ये दो आए आशु की तरफ से सोनीपत, ये दो आए हैं राधिका की तरफ से, ये दो आए हैं कंचन मासी की तरफ से, ये दो आए हैं हेमा मासी की तरफ से, और एक शगुन का लिफाफा और भी अंदर, मैं भी लेकर आती हूँ। नाम बता देना। वो भैया की तरफ, वो भैया की तरफ से है। हाँ जी, अमृता भाभी और भैया की तरफ से, जो भैया ने मुझे स्टेज पे दिया था। थैंक यू भैया, थैंक यू। जितने लोग भी जिन्होंने भेजा उनको सबको थैंक यू दिल से। तो गाइस बहुत ही सुंदर दो सूट आए हैं भाविका काउचर की तरफ से, जिनकी हमने अपने संगीत वाले दिन ड्रेस पहनी थी पर्पल कलर की, वो भी उन्होंने हमें डिजाइन करके दी थी। तो थैंक यू सो मच भाविका। तो गाइस बहुत ही क्यूट सा गिफ्ट मिला हमें अंकुश एंड स्वाति की तरफ से, उसके अनबॉक्सिंग करते हैं। थैंक यू सो मच स्वाति, आपने इतने प्यारे गिफ्ट दिए हमारे आने वाले बच्चों के लिए। सो ये प्यारा सा गिफ्ट है दीक्षा की तरफ से, तीन नजरिए है हमारे होने वाले तीन बच्चों के लिए, और दो नेकलेस है मेरे लिए और पायल के लिए। तो गाइज ये नेक्स्ट गिफ्ट जो है वो हमारी पूजा की तरफ से है, और वो है बच्चों की होने वाली मासी, तो उसके लिए लेके आई है प्यारे प्यारे रिंग्स और साथ में झुनझुने। थैंक यू सो मच पूजा, और आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, और सबको दिल से प्यार, अनमोल तोहफे आपने दिए उसके लिए दिल से धन्यवाद। नमस्ते, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। गाना आ गया यार, वो गाना जरूर देख लेना और शेयर कर देना। तो गाइस कुछ गिफ्ट ना हमारे इधर उधर हैं, जैसे ही मिलेंगे आप लोगों को दिखाएंगे, जितने इकट्ठी हुई वो सब दिखा दिए। ये रहे।